बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश का दौरा है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जेपी नड्डा आ रहे। 2023 की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा इंदौर और देवास भी जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आ रहे हैं। उज्जैन का उनका दौरा है। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद देवास और इंदौर भी जाएंगे जेपी नड्डा। तमाम विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। मिशन 2023 की रणनीति पर भी फोकस होगा आज के इस दौरे को लेकर। जेपी नड्डा इंदौर और देवास भी जाएंगे, उसके पहले उज्जैन जाएंगे, बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, उसके बाद तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। 2023 मिशन 2023 को लेकर भी संवाद करते जेपी नड्डा नजर आएंगे। कई विषयों को लेकर बातचीत होगी। किस तरह से एजेंडा होगा, किस तरह से काम करना होगा, रणनीति क्या बनाई जाएगी, तमाम विषयों को लेकर दिशा निर्देश उज्जैन में कार्यकर्ताओं को, इंदौर में कार्यकर्ताओं को और देवास में भी कार्यकर्ताओं को देंगे। अलग अलग तरह की बैठकें करेंगे। इंदौर का दौरा है, देवास का दौरा है, लेकिन उसके पहले उज्जैन जाएंगे। सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा का उज्जैन का दौरा है, मध्य प्रदेश आए हैं। बाबा महाकाल के सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद इंदौर से उज्जैन जाकर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। आपको बता दें दिल्ली से इंदौर पहुंचेंगे, इंदौर से उज्जैन जाएंगे, उज्जैन से दर्शन करने के बाद फिर देवास आएंगे। देवास में स्वसहायता समूह के पोषक संयंत्र का लोकार्पण भी जेपी नड्डा करेंगे। देवास से इंदौर जाकर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बड़ी और अहम बैठक लेंगे। सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट आएंगे, इंदौर के बाद में वहां से बाय रोड उज्जैन जाएंगे। उज्जैन जाने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस देवास में स्वसहायता समूह के पोषक संयंत्र का लोकार्पण भी जेपी नड्डा करेंगे। खास बात यह है कि इंदौर से देवास से वापस इंदौर जाकर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत भी करेंगे कार्यकर्ताओं से। खास बात यह कि 2023 के मिशन को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश का दौरा है। कई विषयों को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। देवास में स्वसहायता समूह के संयंत्र का लोकार्पण भी यहाँ पर जेपी नड्डा करेंगे। सबसे पहले इंदौर, इंदौर के बाद उज्जैन। आपको एक बार फिर बता दें जेपी नड्डा दिल्ली से इंदौर पहुंचेंगे, इंदौर हवाई अड्डे के बाद बाय कार बाय रोड पहुंचेंगे उज्जैन। उज्जैन जाने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद देवास जाएंगे। देवास में उन्हें कार्यक्रम में शामिल होना है, स्वसहायता समूह का कार्यक्रम है, उसके बाद वापस इंदौर आएंगे और इंदौर आने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक लेंगे। इंदौर चलेंगे, हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में हैं, क्या कुछ तस्वीर आज देखने को मिल सकती है? हेमंत शर्मा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 10:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे, जिनकी अगुवाई करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से जेपी नड्डा जी सीधा महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन वाहन द्वारा रवाना होंगे। वहाँ पर 12 बजे उज्जैन में महाकाल दर्शन करेंगे, इसके बाद में सर्किट आउट जाएंगे, जहाँ पर कुछ स्थानीय नेताओं से बातचीत करने के बाद देवास में जो कार्यक्रम है वहाँ पहुँचेंगे। देवास में 2:10 पर पहुँचने का उनका टाइमिंग है। 2:10 पर देवास पहुँचेंगे, जहाँ पर महिला स्व समूह द्वारा आयोजित पोषण आहार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चाएं करेंगे। इसके बाद वे 4 बजे इंदौर के लिए वहां से रवाना होंगे। इंदौर में बीजेपी के नेता सुहास भगत के माताजी के निधन पर घर पहुंचेंगे, उनके यहां पे शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद 4:30 से 5 बजे के बीच में वे इंदौर बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश स्तरीय बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी और 7 बजे नड्डा जी इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये पूरा जो दौरा है वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का ये दौरा रहेगा। जी हेमंत, चूंकि एक बड़ी बैठक को भी संबोधित यहाँ पर करेंगे जेपी नड्डा, क्योंकि दर्शन करने के बाद जब इंदौर आएंगे तो इंदौर में प्रदेश के स्तर के बड़े कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करते जेपी नड्डा नजर आएंगे। कितना पॉलिटिकल माइलेज इंदौर में कार्यकर्ताओं को मिलेगा जेपी नड्डा के अनुभव का, उनके दौरे का? देखिए बिल्कुल अनुभव जो है वो प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ में भी शेयर होगा, स्थानीय जो नेता हैं उनसे भी बातचीत होगी। कहीं ना कहीं ये जो दौरा है वो बड़ा राजनीतिक दौरा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव उसकी भी तैयारियों को लेकर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दौरा जो है वो एक अलग रूप यहाँ पर दिखाएगा। साथ ही जो स्थानीय नेता हैं उनका भी यहाँ पर ज्ञानवर्धन जो है वो यहाँ पर सुहास भगत द्वारा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। जी हेमंत, चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, काफ़ी लंबे वक्त के बाद जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आए हैं, उज्जैन में भी क्या कोई बैठक का कार्यक्रम है इंदौर के अलावा? हेमंत शर्मा,
हाँ देखिए, बिल्कुल लंबे समय के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर पहली बार एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और उज्जैन में महाकाल दर्शन करने के बाद सर्किट हाउस जरूर पहुंचेंगे। जो स्थानीय नेता है वो वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, वहां पर कोई बड़ा कार्यक्रम या बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं रखी गई है। देवास में एक कार्यक्रम आयोजित है जिसके समय पर वहां पर समय सीमा भी तय है। पुलिस लाइन उज्जैन से वे सीधा हेलीकॉप्टर के माध्यम से देवास पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी हेमंत, तैयारियां इंदौर में देखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के सरकार में है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है बीजेपी की, तमाम तैयारियां की जा रही है। किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है? हाँ देखिए, बिल्कुल सुबह से प्रशासन और पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही जो बीजेपी कार्यालय पर जहाँ पर बड़ी बैठक आयोजित होनी है वहाँ पर पार्टी स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन की भी व्यवस्थाएं जो वो यहाँ पर इंतजाम पुख्ता है। स्वाद भगत जी के घर जो बैठने के लिए वो पहुंचेंगे, वहां पर भी व्यवस्थाएं जो पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात किया गया है। तो तैयारियां जो जिला प्रशासन की और स्थानीय नेताओं की यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई। ठीक है, हेमंत, इंदौर के बाद उज्जैन चलेंगे, नासिर वेलिम से बात करेंगे। नासिर, आज जेपी नड्डा उज्जैन पहुंच रहे हैं, दर्शन करेंगे वहां महाकालेश्वर के, किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं उज्जैन में नासिर वेलिम में? आगमन होगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और यहाँ पर आकर वो सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अभिषेक किया जाएगा उनके द्वारा और उसके बाद में यहाँ से इंदौर और देवास के जो उनके प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए रवाना होंगे। और जेपी नड्डा के आगमन को लेकर उज्जैन के स्थानीय प्रशासन ने तमाम तैयारियाँ खड़ी कर ली है। इस तरह से उनको बाबा महाकाल के मंदिर में प्रवेश दिलाया जाएगा। गर्भगृह में दर्शन के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। यहाँ पर आकर गर्भगृह में दर्शन की जाएंगे उनके द्वारा और बाबा महाकाल को जलाभिषेक और जलाभिषेक उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर बेलिम, बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए।